आपको जरा सा कुछ हुआ और लोग बोलते हैं कि आप पानी बहुत कम पी रहे हो, भाई 3 से 4 लीटर पानी पिया करो, फिर देखो सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं खाना खाते ही पानी मत पिया करो, भाई बहुत कंफ्यूजन है, कितना पानी पिए, कैसे पता करें कि अपने शरीर को पानी कितना चाहिए, चाहिए भी कि नहीं, क्या है सही, क्या कहता आयुर्वेद आपको पानी के बारे में। मैं हूं अनिल कौशिक और आप देख रहे हैं अध्यात्म आयुर्वेद विद अनिल, और फैक्ट का फंडा में मैं आज बात करूंगा पंच महाभूतों में से एक जल यानी पानी के बारे में। आपके सभी सवालों का जवाब प्रकृति ने स्वयं दिया है। जैसे एक छोटा पौधा, उसमें अगर आप कम पानी डालेंगे तो वो जल जाएगा, और ज्यादा पानी डालेंगे तब भी वो मर जाएगा। इसी प्रकार आपके शरीर को भी उतना ही पानी चाहिए जितना उसको जरूरत है, न उससे ज्यादा न उससे कम, लेकिन सवाल अब भी वही है, कितना। तो इसको जानने के दो तरीके हैं। पहला, शरीर का 2/3 भाग पानी है और रोज 2.5 लीटर के आसपास पानी आपके शरीर से निकल जाता है। 10% पानी जब कम होगा तब आपको प्यास लगेगी। जी हाँ, प्यास, ये एक सेंस है आपके बॉडी का जो आपको बताता है कि अब मुझे पानी चाहिए। तो अपनी प्यास को कभी भी अनदेखा ना करें। और दूसरा तरीका है, मैंने आपको बोला 2.5 लीटर पानी निकल जाता है, तो आपके पसीने और मूत्र के रास्ते पानी निकलता है। उस मूत्र पर ध्यान दें, उसके कलर पर ध्यान दें। अगर उसका कलर पीला है तो आपको पानी की जरूरत है, आप बहुत कम पानी पी रहे हैं। और अगर उसका कलर बहुत ज्यादा सफेद है और पानी से भी साफ है तो आप बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं, बचें, अपनी किडनी पर थोड़ा रहम खाएं। और अगर आप बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिन कर रहे हैं तब भी आप पानी ज्यादा पी रहे हैं। हो सकता है इसकी दूसरी कोई और वजह भी हो, लेकिन ये आपको खुद को पता होगा कि आपका यूरिन बार बार क्यों आ रहा है। अगर कोई और वजह नहीं है तो उसकी एक वजह ज्यादा पानी पीना भी हो सकता है, जो आपकी किडनी के लिए बहुत घातक है। क्लिनिकल किडनी जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि शायद मार्शल आर्ट्स के लेजेंड ब्रूस ली की मौत की एक वजह ज्यादा पानी पीना भी हो सकता है। एक व्यक्ति को हर रोज कितने पानी की आवश्यकता है, यह उसके वर्क और उसकी बॉडी की नीड पर निर्भर करता है। तो करना क्या है, जिस प्रकार आप बिना भूख के खाना नहीं खाते हैं, उसी प्रकार आप बिना प्यास के पानी भी ना पिए। लेकिन आप प्यास को नजरअंदाज ना करें और अपने यूरिन को कभी रोक कर ना रखें। उसके बाद आप यूरिन के कलर को मॉनिटर करते रहें और फिर डिसाइड करें कि आपको पानी की जरूरत है या नहीं। यूरिन या मूत्र त्याग के तुरंत बाद पानी ना पिएं, क्योंकि जब आप मल मूत्र का त्याग करते हैं उस समय आपकी नसें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, उनमें दबाव पैदा होता है, और अगर आप उसके तुरंत पश्चात पानी पिएंगे तो आपकी किडनी और ब्लैडर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर जरूरत पड़े तो 15 से 20 मिनट रुक जाएं और फिर पानी पिएं। अक्सर हम कुछ गलतियां भी करते हैं, गर्मी में बाहर से आए, फ्रिज से एक ठंडी ठंडी पानी की बोतल निकाली और खड़े होकर गटागट खड़े खड़े ही पी गए। इसमें आपने 3 गलतियां करी। पहला, आपने एक्स्ट्रा ठंडा पानी आपके गर्म शरीर के अंदर डाल दिया, जिससे आपकी पाचन क्रिया प्रभावित होगी, आपको अपच, गैस, कब्ज, जलन, खट्टी डकार, ये सब हो जाएगा। और दूसरा, आपने खड़े होकर के पानी पिया। अगेन, खड़े होकर पानी पीने से भी आपकी पाचन क्रिया पर बुरा असर पड़ता है, फिर आम बनता है, और आम बनने से आपके जोड़ों में दर्द होता है, यूरिक एसिड बन जाता है, जिससे आपके जोड़ दर्द करना शुरू कर देते हैं। और लंबे समय तक खड़े होकर पानी पीने से आपके जोड़ कमजोर हो जाएंगे, एक ऐसी नौबत भी आ सकती है कि आप उठ ना पाए। और तीसरी गलती आपने की बोतल से पानी पीकर। जी हाँ, जब आप बोतल से पानी पीते हैं तो आप पी नहीं रहे हैं उसे, आप निगल रहे हैं, आप उसे गटकते हैं। असलियत में वो पानी आपके डायरेक्टली पेट में चला गया, उसमें सलाइवा मिक्स नहीं हुआ है, और जब उसमें सलाइवा मिक्स नहीं हुआ तो आपको एब्जॉर्ब नहीं होने वाला, वो पचेगा नहीं, वो उल्टा पाचन को खराब करेगा, और उसका सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ेगा आपके किडनी और ब्लैडर पर। तो अगर आप ज्यादा पानी या पानी के कोटा को पूरा करने के लिए ऐसे बोतल उठा के सीधा गटगटगट पी जाते हैं तो यह बहुत खतरनाक है। इससे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाएगी, सोडियम की कमी हो जाएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी आपने पिया, किडनी ने उठा के उसको बाहर फेंक दिया, और धीरे धीरे आपकी किडनी भी कमजोर होती चली जाएगी। इसलिए या तो आप आयुर्वेद के हिसाब से गिलास में पानी पिए बैठ करके शांति से, या फिर अगर आप गांव से हैं तो आपको पता होगा अंजलि की एक ओक बनाई जाती है इस प्रकार से, और ऐसे बनाकर ऊपर से ऐसे पानी डाला जाता है और तब उसे पिया जाता है, जो आप गटक ही नहीं सकते, उसको आपको घूंट घूंट सिप सिप करके ही पीना पड़ेगा। तो ये तरीका सबसे उत्तम है, बस आपके हाथ साफ होने चाहिए।
जब आप बोतल से पानी पी रहे हैं तो आपकी प्यास थोड़ी देर के लिए बुझ जाएगी, लेकिन आपको संपूर्ण संतुष्टि नहीं होगी क्योंकि आपके होठ अभी भी सूखे हैं। और संतुष्टि की जो संकेत जो जाते हैं पानी की संतुष्टि के, वो होठों से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए आप जब गिलास से पानी पियेंगे या फिर आप जब ओक लगा के पानी पियेंगे तो होठ गीले होंगे और आपके दिमाग को एक संकेत जाएगा और आपकी प्यास संपूर्ण रूप से संतुष्टि के साथ बुझ जाएगी। फिर आपको जब जरूरत होगी तब ही दोबारा प्यास लगेगी। पानी अंदर पड़ा है फिर भी प्यास लग रही है, ऐसा नहीं होगा। इसलिए पूरा निचोड़ यह है कि गिलास में भरकर आराम से शांति से बैठकर घूट घूट करके चाय के तरीके से पानी को पीना चाहिए। हमारी मूर्खता तो देखिए, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, शराब, इन सब को हम प्लानिंग करके और शांति से बैठ के घूट घूट करके घंटों घंटों तक गिलास हाथ में लेके पीते हैं। और पानी जो अमृत तुल्य है, जीवन के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य है, उसे हम घटाघट खड़े खड़े और भागम भाग में पी रहे हैं। जरा सोचिए और अपने पे तरस खाइए और थोड़ा इन आदतों को बदलिए, आपके जीवन में बदलाव संभव है। अगर आपने मेरा चाय पर बना हुआ वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। और अगले भाग में हम जानेंगे जल से जुड़े जरूरी नियम। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप कोई सुझाव या टॉपिक देना चाह रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। धन्यवाद। भगवान आपका सदा कल्याण करें। जय श्री राम।